बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, आज आपको एक नई वीडियो दिखा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको सब मालूमात देंगे जानवरों की बीमारियों के बारे, और तमाम मालूमात होंगी वैक्सीन के बारे और उनकी जिल्द के बारे, कुछ जख्म इनको हो जाते हैं उनके बारे, सब मालूमात आपको साबिर भाई इस वीडियो के अंदर देंगे। साबिर भाई शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता आप खैरियत होंगे। काफी सारे दोस्त है ना, वो कह रहे थे मालूमात की वीडियो, तो सादी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है ना, इसलिए स्पेशल वीडियो बना लें आप भाइयों के लिए जिनका माल बीमार है या कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो आपको बता दें। तो ये नंबर वन पे ये आ रही है चिचोड़ वाली दवाई है यार, डॉक्टर साहब ने सोचने लगा ये इसका नाम है सेगा वन पाउडर होता है। जब आप जो है ना, अगर आपके जानवर को चीचड़ वगैरह लगे हुए हैं या जुएं वगैरह हैं उन्हें, तो आप इसको पानी के अंदर मिला के और कपड़े, एक कपड़े को उसके अंदर गीला कर लेंगे और इनके सारे जिस्म के ऊपर आप लगाएंगे पूरी दवाई को, उसको नहला दें बकरे को नहला के, तो फिर ये उसके ऊपर डॉक्टर साहब लगा दें। ये भी है कि आप इससे इसको नहला के उसके बाद इसके ऊपर लगा दें जानवर के ऊपर, और 10 से 15 मिनट वो जानवर अपनी जिल्द को मुंह ना लगाए, जबान ना लगाए, तो उसके बाद ये बेशक लगाता रहे, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, इससे चीचड़ वगैरह जुएं वगैरह बिल्कुल सही है। इसकी जिल्द के ऊपर असर करते हैं, जानवर कद नहीं करता, वजन काफी सारे बकरों के ऊपर चीचड़ चमड़ जाते हैं, मसले मसाइल निकल आते हैं। और वो जो टीका कह रहा है ये जो इंजेक्शन, हाँ ठीक है, डेक्लोरान है, ये डेक्लोरान इंजेक्शन है। जब आप जब जानवर को लेके जाते हैं दूर से सफर से, तो वो उसे थकान सी हो जाती है, थक जाता है, तो आप उसे जो है ना इंजेक्शन ये वाला लगा दें, 3 cc हो कम से कम इंजेक्शन ये, बड़ी बड़े जानवर को। अगर कोई छोटा जानवर है तो आप उसे 1.5 cc उसकी उम्र और वजन के लिहाज से आप उसे ये दवाई दे सकते हैं, तो उससे जानवर की थकान भी खत्म हो जाएगी और उसे थोड़ा बहुत जो बुखार नजला वगैरह वो चीज भी खत्म हो जाएगी। सस्ता है ना, काफी सारे डॉक्टर हैं, बस वो 20 रुपए वाला टीका लगा देते हैं और 500-400 किसी से 1000 पे ले लेते हैं और आम टीका सा लगा देते हैं, लेकिन वो तो कोई मसला नहीं है। और ये है मिक्सचर दवाई है इनके लिए, कार्मिनेट, और हाजमे के लिए, माशाल्लाह चेहरे के लिए। और इसको तीसरा हिस्सा ऐसे है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल जी ऐसे तीसरा हिस्सा पिलाना पड़ता है एक बकरे को, अगर बर्तन में रखो खुद पी जाए तो ठीक है, नहीं तो रेगुलर बोतल में डाल के ना, तो आप तीसरा हिस्सा उसमें डाल के थोड़ा सा पानी डालो या ना डालो आपकी मर्जी है, वो आप इसको पिला सकते हैं क्योंकि ये चरे के लिए। फिर इसका फौरन मुंह धो साफ करके ना, ये क्योंकि कलर होता है ना, ये साफ कर लेना पड़ता है, तो फिर ये क्योंकि साफ सुथरा जानवर और सेहत करता है। जैसे कि बकरी मैं आपको दिखाऊं इसके साथ हमने क्या क्या किया, ये सामने कर रहा फरूख, इसको जिल्द वाले प्रॉपर दवाई दी है और डॉक्टर साहब बताएगा आपको जो टीके इसको लगाए हैं जिल्द के, और ये दवाई और खाल और गंदम ये चीजों के ऊपर माशाल्लाह ये पली हुई है आपके सामने है। ये आप देखें बहुत बड़ी बकरी है, ये ऐसे समझे ये 2-2.5 लाख की बकरी है, जब तैयार हो जाएगी ये इतने की बकरी है, ये बहुत बड़ी बकरी है। ये बच्ची होती है ना 15-20 हजार की मिल जाएगी, एक मिसाल तौर पे कह रहा हूँ, सिर्फ जानवर के ऊपर मेहनत मांगते हैं, जितनी मेहनत करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और डॉक्टर साहब इन चीजों के बारे में बताओ ना आप, ये इंजेक्शन है जी जिल्द के लिए, सेलमेक इसका नाम है, अहम चीज है, ये बहुत ही जरूरी है आपके जानवरों के लिए। इससे एक तो आपके जानवरों की जिल्द के अंदर चमक आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, वो उनके ऐसे समझो रंगत ही तब्दील हो जाती है, दूर से ऐसे जानवर चमकने लग जाता है। और ये आप महीने बाद सवा बाद अगर आप अपने जानवर को रेगुलरली लगवाना शुरू हो जाएं, तो ये आपको बहुत इफेक्टिव होगी और इसके अंदर आपको जो है ना मालूमात भी मिलेंगी। आप इसे 2 cc लगा दें, बड़े जानवर को 2 cc लगा दें, छोटे जानवर को 1 cc, और ये आपने जिल्द के अंदर लगाना है, गोश्त में नहीं लगाना, जिल्द में ना, चाम को ऊपर खींच लोगे, सिरिंज गोश्त के अंदर लगी हुई वो भी ऊपर निकल आएगी, बिल्कुल ऐसे आपको अंदाजा लग जाएगा जिल्द के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल तरीका दिखा दे। तो दूसरी बात ये है, आपने अपने जानवरों को खास तौर ख्याल रखना है, और थोड़ा सा बुखार हो और जो जख्म होते हैं ना, जख्म के लिए ये आपके लिए दवाई है। इसका नाम क्या है?
पिंक स्प्रे इसका नाम है जी। पिंक स्प्रे जितना गहरा जख्म होगा ना ये आपने ऊपर लगा देनी है, इंशाल्लाह ठंडी है और कोई उसको इससे मक्खी वगैरह भी नहीं बैठती और जख्म बिल्कुल बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जबरदस्त ये दवाई है क्योंकि जितना भी जख्म हो ना बकरे को आप अपने जानवर को ये इस्तेमाल कर सकते हो। ये महंगी जरूर है लेकिन इसका एक फुहारा ही सिर्फ काफी है उस जख्म के ऊपर जो है ना, आप एक फुहारा मारें ये बहुत जो है ना हाई पोटेंशियल और अच्छी दवाई है पिंक स्प्रे जख्म। ये इनकोर टीका है इसकी मालूमात भी दे देना। ये जो इनकोर टीका है अगर आपके जानवर को बुखार हो गया है ज्यादा 104.5 पे बुखार है 6 पे तो आप इसका 3 CC लगा दें अपने जानवर को। तो ये ऐसी दवाइयां हैं जो आपके पास ऑलरेडी अगर आप जानवर रख रहे हैं तो आपके पास पड़ी होनी चाहिए, आपको डॉक्टर की जरूरत भी ना हो। आप इस वीडियो के अंदर जैसे हम बता रहे हैं आप इसे अपने पास नोट कर लें, लिख लें ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आप बगैर जो है ना डॉक्टर के अपने जानवर को ये इसे जख्म था देखें आप ये हमने लगाई है अब ना इसके ऊपर मत सूख जाएगा जख्म माशाल्लाह जल्दी भी सेट हो जाए कुछ नहीं है क्योंकि काफी मसला मसाइल निकल आते हैं आपके जानवर को टक्कर जख्म हो जाता है। और ये जैसे कान नहीं देखा ये थोड़ी सी मलाश निकली है ना जो डॉक्टर साहब ने टीका बताया आपको ये इसके लिए बेस्ट है माशाल्लाह बेहतरीन है। और इधर चाम ऊपर खींच के ना आपने वो लगाना है और जख्म के ऊपर ये स्प्रे थोड़ी सी आपने ऐसे करके डालनी है ना तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाएंगे। और बाकी जो खुराक के मुतालिक है वो भी आपको बता देते हैं और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं इधर वाला तो खल गंदम रात के टाइम जो तकरीबन 6-7 बजे के टाइम आप इसको खिलाओगे ना इनकी जान को रुच जाती है। 1-2 घंटे खल को पानी में भिगो के उसमें 2 किलो खल है तो 3 पाव जितना गंदम डालो आप वो इनकी जान को रुच जाती है। वो जानवर जो है ना रात को जो हाजमा कम होता है उसकी वजह ये होती है जानवर मोटा होता है। अगर सुबह खिलाओगे इसका कोई फायदा नहीं है। आप सुबह इसको सबज चारा भी खिला सकते हैं और उसमें चूड़ी चौकर खिलाओ आपकी मर्जी है। जो मुख्तलिफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं यार वो दूसरी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप इस्तेमाल? हम तो जो है ना ज़्यादातर हमारी साइड पे खजूर के गट्टे होते हैं उन्हें हम जो है ना तकरीबन 15 से 20 दिन वो पानी के अंदर पड़े रहते हैं उसके बाद हम उन्हें निकाल के इनके पास डालते हैं। साहब के पास वो गट्टे तो नहीं होते यार लेकिन गट्टे की ये है कि आप अगर गट्टे खिलाएंगे तो आपको जानवर को कोई और चीज खिलाने की जरूरत नहीं। पता है मुझे वो तो माशाल्लाह ऐसे समझें वो ऊंट की गिजा है, ऊंट की गिजा है जबरदस्त देसी खुराक है। हाँ लेकिन वैसे पेट भरने अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो फिर आपको जो है ना घास डालें, चारा डालें, उसे दाने सबसे अहम है, दाने तो अब हर घर के अंदर होते हैं। अगर गंदम ज्यादा डालो ये गिक्कड़ खजूर की इसकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं इसको गीला करके डालना तकरीबन 15 से 20 दिन जब ये गल जाए वो तो थोड़ी थोड़ी वो तो अगर खिलाओ ना खिलाओ मुश्किल नहीं है। हाँ ये लाजमी नहीं है आप खिलाओ ना मिले आपकी मर्जी। हाँ चने का छिलका आ गया चने के छिलके हैं चने हैं चने का डाला है काफी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर वंडा खिला लें ये बकरी खुश गिजा को ज्यादातर पसंद करती है। बाद लोग है ना वो कहते हैं यार सब चारा नहीं है हम क्या करें फार्मिंग कैसे करें हम कहाँ से लेके आएंगे लेकिन वो कोई मसला नहीं है आप खुशो खुराक के ऊपर आराम से जानवर पाल सकते हैं। ये जैसे भी खड़े हो ना आपके सामने खुशो खुराक के ऊपर पले हुए इन्हें भी देखा और माशाल्लाह जानवर जो है ना जितना बकरी थोड़ी कमजोर रखोगे वो आपका फायदा है। हाँ क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी नहीं ठहरती ऐसे ही है थोड़ी सी नॉर्मल गिजा के ऊपर रखे बकरा जितना आप उसको खुराक लगाए माशाल्लाह उतना बनेगा। बकरे को इतनी सी गंदम स्टार्टिंग में दें खसी कराएं खसी करा के माशाल्लाह उसके साथ प्रॉपर आप गंदम रखें दिन ब दिन आप ऐसा ऐसा बढ़ाते जाए। अगर यकदम आप गंदम डाल दिए जानवर को तो मोशन लग जाएगा नहीं नहीं गंदम थोड़ी थोड़ी पानी पिला दोगे तो डबल मोशन लग जाएगा। इसमें काफी मसले मसाइल आते हैं कोशिश करें गंदम रात टाइम ही दें आप उसके बाद कुछ ना दो पानी ना दें आप बस बिल्कुल अगर दिन को गंदम खिलाओगे जानवर गर्म हो जाएगा गर्मी करेगा फिर काफी मसले मसाइल निकाल जाएगा निकलेगा। जो मोशन किया डॉक्टर साहब वो भी बता दो ना जी ये मोशन के लिए अगर आपके जानवर को मोशन लग गए हैं तो उसका सबसे बेहतरीन और अच्छा हल यही है कि ये आपके सामने ये दिखा रहे हैं आपको ये है सल्फा डेमाटीन ये इतनी महंगी भी नहीं है ये आपके घर पड़ी हो तो ये 100-120 रुपए की बोतल आ जाती है।
तो आप 20 सीसी पानी ले लें और 20 सीसी जो है ना ये दवाई हो आप उसमें डाल के जानवर को पिलाएं। उम्मीद है कि जो है ना पहली डोज के अंदर ही वो उसकी जो मोशन है वो खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक चीज आप भूल गए जो इनकी आंखों के लिए मेन चीज है ना, बाज़ हाँ जानवरों की आंखों से पानी आता है, कभी कभार जानवरों की आंखों से पानी भी आने लग जाता है तो उसके अंदर जैसे इंसान की आंखों में भी ये गंद वगैरह आ जाता है और ये पानी आने लग जाता है। उसके इलाज ये है कि एक बोरिक एसिड का पत्ता मिलता है 5 से 10 रुपए का है वो, तो आप वो बोरिक एसिड लेके उसकी एक एक वो आपने उसको आंख के अंदर उसके अंदर डाल देना है उसके। ये आपको दिखाएंगे भी सही ये बोरिक एसिड कैसे डालते हैं, ये देख सकते हैं ना, ये आंख से वैसे थोड़ा सा निकला हो ना आपने इतनी सी चूंडी लेके ना इसकी आंख में डालनी है। मैंने पहले भी वीडियो में एक बताया था और जो मिक्सचर दवाई है यार इसके मुंह पे वैसे रखो, ये देखे ना ये इसको तीसरा हिस्सा पिलाना पड़ता है दवाई का और ये तरीका आपको बता देता है लेकिन रेगुलर इधर मुंह सीधा कर बकरी दा आगो हाथ का। ये आप देखे ना इसमें एक मिसाल के तौर पे आपको कह रहे हैं ये आपने ऐसे करके पिलाना और थोड़ा थोड़ा करके पिलाना, ज्यादा नहीं, अगर उतनों भी आ जाए हाँ, इसको फिर छोड़ देना है, छोड़ देना है। तो इसके बाद अगर चिचड़ वगैरह इधर लगे हुए हैं चिचड़ को आपने निकाल लेना है किसी भी तरीके से आराम से। अगर अपने जानवरों को खुर में भी चेक करना है ज्यादातर आप उसमें रेत डाल सकते हो क्योंकि रेत सही है जो जानवर बाहर, रेत और चूना डालें इसके लिए बचने के लिए क्योंकि इधर रेत और चूना मिक्स कर लोग बीमारी हो जाती है ये वो, लेकिन सादा माहौल लेकिन लोग पक्के फर्शों पर वो कहते हैं हम कोई कहते हैं इंटरनेशनल बना रहे हैं हम ये वो, नहीं 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 लेकिन जानवर खुश जो होता है वो जो है ना रेत के ऊपर होता है, वो कहता है नरम जगह हो बैठने के लिए उसके, अगर आप पक्की जगह पे रखेंगे तो इनके जो है ना ये घुटनों के अंदर ना ये इनके अंदर पानी पड़ जाएगा, आप इनको कच्ची जगह पे रखें ताकि जहाँ मिट्टी हो हाँ वो ये खुश रहती है वहाँ पे। ये नहीं आप इंटरनेशनल फार्म बनो, नहीं आप वैसे बनाओ आपने बैठने के लिए खड़ने के लिए सादा छप्पर ठंडा, कोई बाजू का लोग है ना वो शेड डाल देते हैं ऊपर वो तो गर्म गर्माइश होती है ना ऊपर, ये बांसे और पतले हमने डाल दिए ऊपर और उसके पूरे सेटिंग के साथ हमने सब कुछ किया है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जबरदस्त माहौल है। आप भी ऐसा करें अगर नहीं है, अगर आपकी छांव है तो इसको सर्दी के लिए ये देख सकते हैं ना दीवारें बंद कर दें, गर्मियों में दीवार दे दें फिर आप जो ऊपर ओपन रख लें ये भी जबरदस्त है, लेकिन प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। आप आए इंशाल्लाह मजीद भी मालूमात आपको देंगे जब आप आएंगे विजिट करेंगे क्योंकि बाद में हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता हर बंदे को जवाब दें और कोई पिक्चर कहता है व्हाट्सएप करो, कोई कहता है मालूमात दो, कोई कहता है जानवर दो, कोई जो है ना जानवर लेके दो, काफी मसले टाइम मिनट का भी नहीं होता क्योंकि बंदा खुद आता है ना प्रॉपर तरीके से बंदा समझाता है और पूरी सेटिंग के साथ इंशाल्लाह हर चीज आपको बताएंगे। सिर्फ आप विजिट करें खरीदारी भी करें और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो बंदा बैठ के ना मालूमात देता है, इसलिए हमने मालूमात आपको इसलिए दी है। बाकी जो बकरे ऑनलाइन मंगवा रहे हैं खरीद ले हैं लेकिन उसमें मैं यही कहता हूँ आपका 1000-2000 किराया लग जाएगा, आप खुद विजिट कर लें। आपने एक मिसाल 10 बकरे मंगवाए हैं 5000 बकरा महंगा होगा, कम से कम 50000 तो ऐसे चला जाएगा ना आपका। अगर वैसे आपके पास पैसे ज्यादा है आप मंगवाओ, बाजू का बकरे बीमार भी भेज देते हैं उसमें काफी मसले मसाइल निकल आते हैं, काफी मुश्किलात का फिर सामना करना पड़ता है फिर जो है ना मसले, हम इसलिए डरते हैं। आप आए विजिट करें, अगर आपको नहीं भी पता चलता हम बताएंगे जो सही है बीमार है वो भी चेक करके देंगे और चीज भी गारंटी की होगी, अपनी पसंद की भी आपको चीज मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी। अगर एक जानवर आप 5000 या 10000 महंगा उठा रहे हो आपको फायदा तो नहीं मिलेगा, क्या पता वो बीमार भी निकला है, काफी मसले मसाइल निकल आते हैं, हर चीज देखभाल के लेनी पड़ती है और प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है। अगर खरीदारी करनी आप आए विजिट करें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज आपको मिलेगी, आप 100 जानवर लो ना 200-500 लो मिल जाएगा, लेकिन चीज आपको अच्छी गारंटी आपके आंखों के सामने देखी भाली चीज मिलेगी। आपने नेट पे हमने दिखा दिया आपको, ये तो नहीं पता बीमार है जानवर सही है या इसकी टांगे लंगा रही है या इसमें इसका नूरा एक है बकरे का या कान कटा हुआ है दांत है या आंख खराब है, आपको तो नहीं पता, एक पास दिखा देंगे ये वो है फसलां डिमका, काफी दोस्तों के साथ मसले मसाले आए हैं तो इन चीजों का आप अगर आपकी समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी हम क्या क्या आपको समझाएं। पूरी मालूमात आप भाइयों को दी है, इंशाल्लाह मजीद भी अच्छी वीडियो बनाएंगे जो परदेश में बैठे हैं माशाल्लाह
वो भी कहते हैं ऑनलाइन, अगर आप खुद आओ पाकिस्तान जब भी आओ साल बाद बकरे तो खत्म नहीं हो जाएंगे ना, माल बहुत है। अगर आप नहीं भी आ सकते फार्म तैयार है, आप भाई को भेज दो, दोस्त को भेज दो, किसी को भी भेज दो, लाइव फार्म दिखा देंगे, आप अपनी मर्जी से फिर पसंद करें, वो भी आपके सामने होगा बकरा सही है बीमार है क्या है, वो भी चेक करेगा, कुछ हम भी मालूमात देंगे, वो आपको फायदा है इंशाल्लाह। मजीद भी अच्छी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और रोज की लेटेस्ट वीडियो देखें। मोहम्मद साबिर गोट फार्म डेरा गाजी खान।